चुनाव में अब समय नहीं है। ये नौजवान साथियों, आज सब छीना है आपको, और ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में ये जो चिरंजीवी है, ये जो चिरंजीवी है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये जो चिरंजीवी है, ये अब लैब को टैबलेट देने जा रहे हैं। टैबलेट हम पूछना चाहते हैं, नौजवान साथी पूछो कि 4.5 साल में कौन सी टैबलेट दी थी, कौन सी टैबलेट देते रहे हम लोगों को जो अभी तक टैबलेट नहीं खा पाए हम लोग। 4.5 साल टैबलेट दिया, कौन सी टैबलेट देने जा रहे हो। पार्टी उनके किसानों की आय दोगुनी कर देगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है। हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है, आपका अपमान करने का काम किया है। आपने सब विधायक जिता दिए, आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी। और जो सामान खरीदने जा रहे हो, डीएपी बताओ, डीएपी खाद और बोरी के खाद वाली बोरी से भी चोरी कौन कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ लेकर के हम लोग निकले हैं। सबसे पहले हमीरपुर के अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमीरपुर की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल रात से जब से मैं चला हूं, उन्होंने जोरदार सहयोग देने का और जिस तरीके से उत्साह और जोश दिखाई दिया है जनता के बीच में, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसानों को धोखा दिया है। आज जो विजय रथ यात्रा निकल करके समाजवादी पार्टी के लोग निकले हैं, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य यह है कि किसानों का सम्मान हो। समाजवादी विजय यात्रा का लक्ष्य है कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, उनका भविष्य बेहतर हो। समाजवादी विजय यात्रा का महिलाओं का सम्मान हो। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए भी है कि जो उद्योग, जो कारोबार, जो छोटे व्यापारी, दुकानदार, दैनिक श्रमिक का जो नुकसान हुआ है, उनकी कैसे भरपाई हो, उनको कैसे पटरी पे लाया जाए, इसलिए लगातार समाजवादी विजय रथ उत्तर प्रदेश में चलेगा जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया न हो। बुंदेलखंड में और इधर भारी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। सब विधायक उनके हैं, सब सांसद उनके हैं, सब कुछ उनका है, और उसके बाद बुंदेलखंड के गरीब जनता को धोखा दे दिया। आज भी किसान एक फसल से ज्यादा दूसरी फसल नहीं कर पा। जो फसल उसकी है, वादा ये किया था कि आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन एक भी बुंदेलखंड के किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। महंगाई बढ़ा दी गई, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, दाल, चीनी, सरसों का तेल, कोई चीज नहीं है जो महंगी ना हो गई हो, और लगातार सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। अब तो पेट्रोल 100 के पार हो रहा है, जो गैस दी गई थी उज्ज्वला के नाम पर वो बुझ चुकी है। इतनी महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, उज्ज्वला गैस सिलेंडर, उज्ज्वला गैस बुझ गई है, उज्ज्वला हो गई है। और उत्तर प्रदेश को बचाना है बुल से और बुलडोजर से। जैसे ही बुंदेलखंड में आए हैं, अन्ना प्रथा खत्म करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, सड़कों पर बुल और बुलडोजर से बचाना उत्तर प्रदेश को। इसलिए समाजवादी विजय यात्रा लगातार चलती रहेगी, किसान का सम्मान हो, नौजवान को नौकरी रोजगार मिले, बिजली सस्ती हो। यही निवेली लिग्नाइट बगल का प्लांट लगा है, इतना बड़ा बिजली का कारखाना लग करके तैयार हो जाता जिससे न केवल प्रदेश और देश को बिजली मिलती,
लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली भी नहीं बना पाई और वहीं बिजली महंगी कर दी। आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। भविष्य में समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए सुविधा देगी, बिजली की कितनी देगी सुविधा, 300 यूनिट देगी, कितनी देगी, साथ साथ किसानों की फ्री सिंचाई करने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे और बुंदेलखंड में विशेष बुंदेलखंड के इलाके ने जहां भारतीय जनता पार्टी को विधायक सांसद जिता करके इनकी झोली भरी थी, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया है, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, अल्पसंख्यकों को धोखा दिया और स्वार्थ के लिए न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। समय आने पर जातियों को गिनने का काम और जो अन्याय उत्पीड़न पिछड़ों के साथ दलितों के साथ है उनका सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान करते हैं, क्या इसके ग्राफ में कमी आई है? मुझे याद है महोबा में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, हमीरपुर में की, बांदा में की और आसपास के लोग। इसलिए सुविधा देने का काम करेगी समाजवादी सरकार और चाहे सिंचाई की सुविधा देनी पड़े, चाहे किसानों के लिए जो मंडियां बनाना शुरू कर दी थी, कोई जिला नहीं बचा जिसमें बड़ी मंडियां न बनाई गई हो समाजवादी सरकार में, चाहे वो जालौन हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे महोबा हो, चाहे ललितपुर हो, बड़ी बड़ी विशेष मंडियां बनाई गई थी, लेकिन इस सरकार ने न मंडियां शुरू कर पाए और न किसानों को वहां पहुंचाने के लिए इंतजाम किया, जबकि ऐसे 3 कानून ला दिए हैं जिससे हमारे किसान मजदूर बन जाएंगे या खेती छोड़ करके चले जाएंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचला गया। आप किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है और कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? मैं बुंदेलखंड के किसानों को यहाँ से कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को, देश के किसानों को, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 3 काले कानून लाई है वो किसानों को कुचल देगी, उसी तरीके से जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों को कुचल करके हत्या की। अभी तो किसान कुचले गए हैं, कानून कुचला गया है और हो सकता है ये संविधान को भी कुचल दें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड की ताकत से हटाने का काम करें। मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? भारतीय जनता पार्टी मंत्री पे कभी कार्रवाई नहीं करेगी, कभी कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है। आज सबसे ज्यादा खुशहाल अपराधी कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अभी तक माफियाओं की, अपराधियों की सूची जारी नहीं कर पाई, बड़े बड़े टिफिन में खाना जा रहा है उनके लिए। छोटे दलों को साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी लगातार करती रही है और हमारे एक छोटे दल तो पहले ही आ गए। बताओ तो आगे पहले मैं आ गया, मैंने ब्लैक कर दिया इसमें समाजवादी पार्टी। कौन सा दल? परिवर्तन दल। परिवर्तन दल अखिलेश जी, बहुत बड़ा समाज लोगों का है। अखिलेश जी भाजपा करी और पीसी में ये कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है लखीमपुर में, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन दोबारा। सबसे ज्यादा मानवाधिकार आयोग ने नोटिस किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिए। सबसे ज्यादा कस्टोडियन लेते अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में ही। आप देखिए किसने तस्वीर नहीं देखी किस तरीके से किसानों को कुचला गया। अगर किसान कुछ ले जाएंगे तो क्या विपक्ष शांत रहेगा? जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि किसानों का सम्मान दें और किसानों को कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे और उनके लिए 3 कानून ला दिए, उन्हीं का तो विरोध किसान कर रहे हैं। तो फिर महंगाई किसने बढ़ाई? आज पेट्रोल हमीरपुर में बढ़ गया, 100 तक आ गया, नहीं आया 102 आ गया। इन भाजपाइयों को दिखाई नहीं दे रहा कि पेट्रोल 102 आ गया? ये भाजपाइयों को सब कुछ दिखाई दे रहा है, भाजपा को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमत नहीं दिखाई दे रही इनकी। अखिलेश जी आपको नुकसान पहुंचाएगी? एक दूर पत्रकार कुछ पूछ रहा है, पूछो। देखिए दूध का रेट बढ़ाए अगर किसानों को ठीक मिले रेट, किसानों को क्या मिल रहा है? किसानों को बर्बाद कर करके न जाने किसके लिए दूध महंगा कर रहे हैं। और बताइए सरसों ये पैदा कर सकता बुंदेलखंड? समझ लीजिए सरसों यहाँ पैदा हो सकती है, तिल पैदा हो सकती है। हम अपने पत्रकार साथियों को कह करके जा रहे हैं, ये जितनी भी 7 मंडियां बनी थी विशेष मंडियां, चाहे हमें तिल का और चाहे सरसों के तेल का सरकारी प्लांट लगाना पड़े लगाएंगे, ब्रांड बनानी पड़े बनाएंगे, और विदेश से जो सरसों के तेल के लिए मिलावट आ रही है वो रोक करके अपनी गरीब जनता को और शहरों को कस्बों को शुद्ध सरसों का तेल दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। अखिलेश जी आपके साथ ही आपके खाद की समस्या यहाँ पर
आपकी समस्या के लिए किसान मारा घूम रहा है।